नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तो करीस में। हम रोहतक सुनारिया जेल से महज कुछ ही दूरी पर हैं, जहां पर जेल की तरफ जाने वाला जो मुख्य है, जो नाका है, वो पुलिस यहां पर जो तैनाती है वो बढ़ गई है। जो हरियाणा पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि राम रहीम को जो है जेल प्रशासन द्वारा 21 दिन की जो फरलो है वो मंजूर कर दी गई है। और कल जिस तरह से ये खबर मीडिया में आई, तो उसके बाद जो प्रशासन को भी ये सूचना मिली, तो उसके बाद कल शाम को भी यहाँ पर जो पुलिस की जो मौजूदगी थी वो बढ़ाई गई थी। और सुबह फिर जो हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में तैनात किए गए हैं डीएसपी के नेतृत्व में। जो राम रहीम की जो 21 दिन की फरलो मिली है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम रहीम को लेकर जो है हरियाणा सरकार इतनी मेहरबान क्यों की है, क्योंकि जो राम रहीम के जो खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं, जो छत्रपति के बेटे हैं जिनकी हत्या हुई थी, और राम रहीम जो हत्या के मामले में जो 20 साल की सज़ा काट रहा है यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जो राम रहीम हार्ड क्रिमिनल है, और जिस तरह से हरियाणा सरकार उनको बार बार वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, पैरोल दे रही है, और अब 21 दिन की फरलो दी है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, राम रहीम ने जो फरलो 21 दिन की ली है उसको जो जेल प्रशासन द्वारा उनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए वो 21 दिन की फरलो मंजूर की गई है। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर जो एक्ट है 2022 के तहत जो 21 दिन की जो फरलो है वो हर कैदी को मिलती है, और इसी का हवाला देकर जो राम रहीम ने जो है अपनी 21 दिन की फरलो मंजूर करवाई है। अभी जो है आज कुछ देर बाद यहाँ से राम रहीम जो यूपी के जो उनका बागपत में बना आश्रम है वहाँ पर जाएंगे, और इससे पहले भी जब भी उनको पैरोल या मिलती है तो वही वहाँ आश्रम में जाते हैं। तो एक हफ्ते भर पहले जो जेल प्रशासन द्वारा जो वहाँ बागपत प्रशासन है उनसे इस बारे में एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि राम रहीम का चालचलन कैसा है। रिपोर्ट आने के बाद जो प्रक्रिया है उनको फरलो देने की जो है वो शुरू हो गई थी। कल जो जेल मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की थी कि जो राम रहीम को जो उनके अच्छे चालचलन के कारण उनको फरलो दी गई है, ये उनका अधिकार के तहत मिली है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर राम रहीम को बार बार जो पैरोल और जी जा रही है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जो आदमपुर का उपचुनाव हुआ उसमें राम रहीम को पैरोल दी गई, पंजाब का चुनाव हुआ उसमें पैरोल दी गई, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो राम रहीम के जो लाखों अनुयायी हैं उनको देखते हुए राम रहीम पर मेहरबान दिख रही है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।